नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बंटी ऑटो रिपेयर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्प्लेंडर का लॉक है जो कि चार पिन में आता है। तो यह अल्ट्रॉन सिक्योर कंपनी का लॉक है, तो जिसके अंदर आपको एक फ्लिप की मिलती है। तो बहुत ही अच्छा एट्रेक्टिव लगता है आपको अगर आप ये इस चाबी स्विच को यूज़ करते हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं जो कि इस तरह कुछ दिखता है। तो इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें किस तरह की मिलती है और किस तरह का इसमें लॉक आता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो ये इसके अंदर की मिलती है दोस्तों, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसकी जो चाबी है बहुत ही मजबूत है। जो नॉर्मल स्प्लेंडर या डिलक्स की चाबी आती है उससे कई गुना बेहतर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जिस तरह की कार में की आती सेम उसी तरह की इसके अंदर आपको की मिलने वाली है। और यहाँ पर लिखा अल्ट्रॉन सिक्योर। ठीक है, तो जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरह से निकल जाती है, जैसे चाकू निकलता हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह की है ये दोस्तों। तो अगर आप अपनी बाइक में लगा सकते हैं इसको, ये स्प्लेंडर में लग जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह का कुछ लॉक है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको टोटल 4 पिन मिल जाती है जो कि ओल्ड जो स्प्लेंडर आती थी उसमें लग जाती है। तो इसमें अलग अलग सभी कंपनियों की मिल जाती हैं, डिलक्स का भी आती है, स्प्लेंडर प्लस का भी आता है। देखिए इस तरह से काम करता है, इस तरह से लगेगी चाप, ऑन ऑफ हो गया। उसके अलावा अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो सारा सिस्टम वही रहता है इसके अंदर। ठीक है, देखिए टक टक की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये चुक्की है इस तरह से लग जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मेन इसका ये फ़ायदा ये है कि जल्दी से घिसती नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको डबल की इसीलिए देखे, एक की हो गई और एक की हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ी मोटी होने की वजह से जल्दी से घिसती नहीं है और जल्दी से बाहर निकलती नहीं है। तो स्प्लेंडर प्लस जो अदर जो हीरो का जो ओरिजिनल लॉक आता है उसमें होता क्या है कि ये जो पार्ट आगा का घिस जाता है, क्योंकि काफ़ी पतली चाबी आती है उसकी, उससे क्या है कि बार 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 ये निकल जाती हैं, चाबी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती है। मगर ये इजी वे में नहीं निकलेगी। ठीक है, देखिए कितना खींचो आप इसको, तो ये जल्दी से घिसेगी नहीं क्योंकि काफ़ी मजबूत है। देखिए यहाँ पे भी अल्ट्रॉन लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की तरह इसका। ठीक है, तो वैसे दोस्तों ये वेंडर कंपनी है, मैं ओरिजिनल का वो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं कोई स्पॉन्सर से वीडियो, मुझे अच्छा लगा ये लोग इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो किसी भी पार्ट शॉप पे आप जाके ले सकते हैं, मैं भी कहीं सेल नहीं करता हूँ दोस्तों, मेरा खुद का शॉप है। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है 430 रुपये। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको स्क्रीन ऊपर स्क्रीन पर डाल दूँगा। तो इसका 430 रुपये MRP है। ठीक है, तो बहुत अच्छा दोस्तों, अगर आप हीरो का ओरिजिनल लेते हैं तो 550 रुपये में आपको ये स्विच मिलता है। ठीक है, अगर आप कंप्लीट किट लेते हैं तो चाबी स्विच वगैरह और टंकी का लोग वगैरह तो आपको 850-900 रुपये मिलता है। तो आपको ये 400 रुपये में आराम से मिल जाता है, 430 से, तो 400 रुपये में 380 रुपये के लगभग आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ऑफ भी मिल जाता है इसके अंदर आपको। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए, अगर पसंद आए तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल को भी प्रेस कर ले जिससे कि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।